नमस्कार, खमा गणी, राम राम साहब। मैं महावीर सिंह राजपुरोहित हमेशा की तरह आप लोगों के लेके आया हूँ एक नई प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं जोधपुर स्टोन के अंदर काफी प्रीमियम और काफी लग्जरी हाउस रहने वाला है, जो कि रहेगा 20x60 का। आपके पाल बालाजी के पीछे मेरतिया गार्डन के बैक साइड में ये लोकेशन रहने वाली है, JD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा हाउस डिटेलिंग में। सबसे पहले अगर मैं इसके मेन डोर की बात करूँ तो मेन डोर आप देखेंगे आपको यहाँ पे आयरन का काफी अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है। उसके बाद में अब आ गए इसके पोर्च के अंदर। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आपकी बड़ी SUV गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है और काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा है। आप देख सकते हैं जोधपुर स्टोन का भी काफी अच्छा काम हो रखा है। जो जोधपुरी पत्थर की गढ़ई है वो काफी छोटी-छोटी बहुत निकासी से इसका काम हो रखा है। इस घर की दो एंट्री रहने वाली है, एक जाएगी जो आपके ड्राइंग रूम की तरफ और दूसरी जाएगी जो आपके लॉबी की तरफ। चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसके मेन डोर की बात करूं तो आप देखेंगे ये डोर आपका प्योर सागवान का रहने वाला है, जो कि विद पॉलिश के साथ में रहेगा। और उसके बाद में अभी हम आ गए लॉबी के अंदर। लॉबी भी आप देखेंगे ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर लॉबी रहने वाली है। लॉबी के अंदर भी आपको सिटिंग एरिया रहेगा, ये रहेगा आप देख सकते हैं टीवी पैनल, यहाँ पे आपको बाहर कैमरा इंस्टॉल रहेंगे। और उसके बाद में लॉबी के अंदर भी आपको यहाँ पे एक बेसिन का काम हो रखा है, जो आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश और काफी यूनिक रहेगा इसके अंदर। और उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉइंग रूम। ड्रॉइंग रूम आप देखेंगे ये भी आपको काफी डिसेंट और काफी प्लेन आप देखेंगे अगर तो काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर बना हुआ है। ये आपको LCF के अंदर सोफे का प्रोविजन दे रखा है। पीछे आप देखेंगे मेरे वॉलपेपर का काफी अच्छा काम हो रखा है। उसके बाद में फ्रंट के अंदर आप देखेंगे ये जो मेन गेट है, जो मैंने आपको सेकंड एंट्री बताई थी, वो इसकी यहाँ से रहेगी। और ये आएगा यहाँ पे आपका टीवी पैनल जो आएगा ड्रॉइंग रूम के अंदर। पूरे घर की जो चौखट है वो आपको आप देख सकते हैं ग्रेनाइट की रहेगी और काफी अच्छी और काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये सारा का सारा काम हो रखा है। उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ लेडीज का जो सबसे फेवरेट पार्ट रहता है, किचन। किचन भी आप देखेंगे किचन के अंदर भी आपको LCF के अंदर आपको किचन स्टैंड रहेगा, जो आप देख सकते हैं किचन का जो टॉप है उसका ग्रेनाइट भी काफी अच्छा हो रखा है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड चिमनी का प्रोविजन दे रखा है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको टेंडम बॉक्सेस काफी सॉफ्ट फ्लोर के साथ में बने हुए हैं और यहाँ पे आपको किचन के अंदर फुल हाइट तक की टाइल्स दे रखी है। किचन के अंदर भी फॉल सीलिंग, फैन, इन सब के आपको यहाँ पे प्रोविजन रहेंगे। और जो सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग है वो आपको यहाँ पे सेरा ब्रांड की रहने वाली है। और उसके बाद में ये आ गए हम इसके बैक एरिया में। बैक एरिया अगर आप देखेंगे ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। और पीछे बैक एरिया के अंदर यहाँ पे आपको स्टोर का भी काफी अच्छा प्रोविजन दे रखा है। अब चलते हैं हम ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। फर्स्ट मास्टर बेडरूम में हम देखेंगे तो ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे ये आपको हेडबोर्ड देखेंगे काफी प्रीमियम आपको यहाँ पे पॉसिस का काम हो रखा है। यहाँ पे पॉसिस के काम फुल हाइट तक के है और यहाँ पे आपको फैंसी लाइट्स का अच्छा प्रोविजन दे रखा है। ये रहेंगे यहाँ पे आपको वार्डरोब्स आप देखेंगे जो कि सॉफ्ट क्लोजर्स के रहने वाले हैं, जो प्रॉपर आपको स्टोरेज के लिए प्रॉपर सेक्शंस हैं। और ये रहेगा ड्रेसिंग का एरिया। ड्रेसिंग एरिया भी आप देखेंगे ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर और फिनिशिंग के साथ हो रखा है और यहाँ पे आपको फुल हाइट तक वार्डरोब्स दे रखा है। और ये देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका टीवी पैनल। टीवी पैनल भी आप देखेंगे जो इसका लेमिनेट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी प्रीमियम और काफी अच्छा है। और ये आ गए इसके जो हम अटैच वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम की भी आप साइज देखेंगे ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। ये आएगा आपका आप देख सकते हैं वॉश बेसिन, ये आगे आपका वेस्टर्न कमोड और ये आगे आपका शेरा का आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शॉर्ट सेक्शन। जो वॉशरूम के अंदर जो टाइल्स है वो सारी की सारी आपको वर्टिफाइड टाइल्स रहेगी और जो की आपको फुल हाइट तक की टाइल्स है। वॉशरूम के अंदर भी आपको फैन का प्रोविजन दे रखा है। वॉशरूम के भी आप देखेंगे चौकट तो वो भी आपको ग्रेनाइट की मिलेगी। उसके बाद में अगर मैं घर की फ्लोरिंग की बात करूं तो फ्लोरिंग आप देखेंगे ये भी आपको 2x4 की वर्टिफाइड टाइल्स रहेगी। और उसके बाद में ये आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉमन वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका फर्स्ट फ्लोर का पार्ट है वो। फर्स्ट फ्लोर के अंदर अपन चलेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको SS स्टील का आपको देख सकते हैं रेलिंग मिलेगी विद ग्लास और जो ग्रेनाइट की आपका जो स्टेयर्स है वो आपको यहाँ पे स्टेयर्स ग्रेनाइट की रहेगी। साइड में भी आपको टाइल्स का और लाइट्स का काफी अच्छा काम हो रखा है। फर्स्ट फ्लोर की आप लॉबी आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देखेंगे ये आपको पूरा का पूरा पूजा स्पेस रहेगा, जो कि आप पीछे देख सकते हैं CNC की कटिंग वगैरह के साथ में काफी अच्छा काम हो रखा है। उसके बाद में ये आएगा आपका लॉबी के अंदर टीवी पैनल और यहाँ पे आपको दे रखा है सोफे का प्रोविजन। लॉबी की फॉल सीलिंग भी आप देखेंगे वो भी काफी अच्छी और काफी बेस्ट क्वालिटी की रहने वाली है। उसके बाद में अब चलते हैं इसके जो मास्टर बेडरूम है वो मास्टर बेडरूम देखेंगे। ये आपको रहेगा पूरे घर का जो मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर के अंदर, जो कि किंग साइज के अंदर रहने वाला है। ये रहेगा किंग साइज का बेड और ये आएगा आपका वार्डरोब्स। वार्डरोब इसमें भी आपको सारी की सारी सॉफ्ट फ्लोर्स रहने वाली है और वार्डरोब्स के पास में आएगा ये आएगा आपको पूरा ड्रेसिंग का एरिया, जिसके अंदर यहाँ पे आएगा स्टोरेज के सेक्शन।
और उसके बाद में ये आ गया फ्रंट के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे आपको टीवी पैनल, यहाँ पे आप आराम से अपनी बड़ी टीवी आराम से सेटअप कर सकते हैं। पूरे घर के अंदर जहाँ जहाँ एसी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको एसी की फिटिंग इंस्टॉल रहेगी। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका अटैच वॉशरूम है, वो अटैच वॉशरूम से पहले देखेंगे ये आपको यहाँ पे वार्डरोब का प्रोविजन दे रखा है, यहाँ पे आपको ड्रेसिंग का सेपरेट पार्ट है। और ये आ गए हम इसके जो वॉशरूम के अंदर, इसके अंदर वॉशरूम के अंदर भी आपको फुल हाइट तक की यहाँ पे आपको टाइल्स दे रखी है। नीचे भी आप देखेंगे टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्रीमियम रहने वाला है। ये आएगा आपका वेस्टर्न कमोड, ये आ गया आपके सेरा ब्रांड्स के शॉर्ट सेक्शन, और ऊपर आएगा यहाँ पे आपको पीवीसी का काफी अच्छा काम। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इसकी अटैच बालकनी है वो। अटैच बालकनी की बात करूं तो यहाँ पे आपको फ्रंट गेट सारे के सारे आपको सागवान के रहने वाले, रेस्ट ऑफ द डोर आपको फ्लश डोर्स रहेंगे। पूरे घर की जो सैनिटरी फिटिंग है, लाइट फिटिंग है, वो आपको सारी की सारी ब्रांडेड रहने वाली है। और जो इसकी बालकनी की भी आप साइज देखिए, 20x60 साइज के अंदर बालकनी यहाँ पे आपको काफी अच्छी बना रखी है और फुल स्पेसियस है। शाम के टाइम आराम से यहाँ पे आप चाय के साथ अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है वो। थर्ड मास्टर बेडरूम भी देखेंगे 20x60 के अंदर, ये भी आपको आप देख सकते हैं काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। ये रहेगा आप देख सकते हैं आपका बेड का प्रोविजन, ऊपर आप देख सकते हैं आपको स्टोरेज के लिए आपको आराम से यहाँ कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आप पीछे वॉलपेपर का काफी अच्छा काम हो रखा है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्डरोब का प्रोविजन दे रखे हैं, ऊपर भी आपको आराम से एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए प्रोविजन दे रखे हैं। और ये आएगा यहाँ पे टीवी पैनल, टीवी पैनल भी आप देखेंगे हर रूम के अंदर अलग थीम के साथ में आपको पूरी डिजाइन कर रखी है। और ये आगे आपका आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया स्टोरेज के साथ में नीचे भी आपको स्टूल का प्रोविजन दे रखा है, काफी बड़ी साइज के अंदर ग्लास है। और यहाँ आएगी आप देख सकते हैं विंडो विद आपकी ग्रेनाइट की चौकट के साथ में, कर्टेंस फैन सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज ऐसे कैसे इंस्टॉल रहने वाली है। ये है इस घर का जो लास्ट मास्टर बेडरूम, ये आप देखेंगे ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आप देखेंगे बेड का जो पॉसिस का वर्क है वो काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में हो रखा है। यहाँ फ्रंट के अंदर मेरे आप देखेंगे वार्डरोब का काफी अच्छा काम हो रखा है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ये रहेगा आपका टीवी पैनल, और ये आ जाएगा आपका इस साइड में ड्रेसिंग का एरिया। ड्रेसिंग का एरिया भी आप देखेंगे ये भी काफी अच्छी और फिनिशिंग के साथ जो पूरा फर्नीचर का काम हो रखा है वो एकदम फिनिशिंग और एकदम प्रीमियम क्वालिटी के साथ हो रखा है। और पीछे जो बैक एरिया है यहाँ पे आपको एक अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा, ये रहेगा पीछे बैक एरिया पूरा, और इसी का अटैच आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशरूम, जिसका आप देख सकते हैं ये भी एक काफी अच्छी साइज के अंदर रहेगा। इसमें भी आपको फुल हाइट तक की टाइल्स, ये आ जाएगा आपका वेस्टर्न कमोड, ये आ गया वॉश बेसिन, और ये आ गया आपका यहाँ पे शॉर्ट सेक्शन। तो बताइए आपको ये 20x60 का फुली फर्निश हाउस कैसा लगा? अगर आप इस विला को विजिट करना चाहते हैं या आप इस विला को खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।